श्री राम का जात कर्म, नामकरण, भरत आदि का जन्म, सीता की उत्पत्ति, विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा तथा राम आदि का विवाह। तत्पश्चात राजा दशरथ ने बड़ी प्रसन्नता के साथ पुरोहित वशिष्ठ जी के द्वारा बालक का जात कर्म संस्कार कराया। भगवान वशिष्ठ ने उस समय बालक का बड़ा सुंदर नाम रखा। वे बोले, ये महाप्रभु कमल में निवास करने वाली श्री देवी के साथ रमण करने वाले हैं, इसलिए इनका परम प्राचीन स्वतः सिद्ध नाम श्री राम होगा। यह नाम भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों के समान है तथा मनुष्यों को मुक्ति प्रदान करने वाला है। चैत मास श्री विष्णु का मास है, इसमें प्रकट होने के कारण यह विष्णु भी कहलाएंगे। इस प्रकार नाम रखकर महर्षि वशिष्ठ ने नाना प्रकार की स्तुतियों से भगवान का स्तवन किया और बालक के मंगल के लिए सहस्त्र नाम का पाठ करके वे उस परम पवित्र राजभवन से बाहर निकले। राजा दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्नता पूर्वक बहुत धन दिया तथा धर्म पूर्वक 10,000 गौएं दान की। इतना ही नहीं, उन रघुकुल श्रेष्ठ राजा ने श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1,00,000 गांव दान किए और दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणों को तृप्त किया। महारानी कौशल्या ने जब अपने पुत्र श्री राम की ओर दृष्टिपात किया तो उनके श्री चरणों और कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ध्वजा और वज्र आदि चिन्ह दिखाई दिए। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह, कौस्तुभ मणि और वनमाला सुशोभित थी। उनके श्री अंग में देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत दृष्टिगोचर हुआ। मुस्कुराते हुए मुख के भीतर 14 भुवन दिखाई देते थे। उनके निश्वास में इतिहास सहित संपूर्ण वेद, जांघों में द्वीप, समुद्र और पर्वत, नाभि में ब्रह्मा तथा महादेव जी, कानों में संपूर्ण दिशाएं, नेत्रों में अग्नि और सूर्य तथा नासिका में महान वेगशाली वायुदेव विराजमान थे। पार्वती, संपूर्ण उपनिषदों के तात्पर्य भूत भगवान को देखकर रानी कौशल्या भयभीत हो गईं और बारंबार प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाती हुई हाथ जोड़कर बोली, देव देवेश्वर प्रभो, आपको पुत्र रूप में पाकर मैं धन्य हो गई। जगन्नाथ, अब मुझ पर प्रसन्न होइए और मेरे भीतर पुत्र स्नेह को जागृत कीजिए। माता के ऐसा कहने पर सर्वव्यापक श्रीहरि माया से मानव भाव तथा शिशु भाव को प्राप्त होकर रुदन करने लगे। फिर तो देवी कौशल्या ने आनंद मग्न होकर उत्तम लक्षणों वाले अपने पुत्र को छाती से लगा लिया और उसके मुख में स्तन डाल दिया। संसार का भरण पोषण करने वाले सनातन देवता महाप्रभु श्रीहरि बालक रूप से माता की गोद में लेटकर उनका स्तन पान करने लगे। वह दिन बड़ा ही सुंदर, रमणीय और मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला था। नगर और प्रांत के सब मनुष्यों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया। तदनंतर कैकेयी के गर्भ से भरत का जन्म हुआ। वे पांचजन्य शंख के अंश से प्रकट हुए थे। इसके बाद महाभागा सुमित्रा ने उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण को तथा देव शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न को जन्म दिया। शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले श्री लक्ष्मण भगवान अनंत के अंश से और अमित पराक्रमी शत्रुघ्न सुदर्शन के अंश से प्रकट हुए थे। वैवस्वत मनु के वंश में जन्म लेने वाले वे सभी बालक क्रमशः बड़े हुए। फिर महातेजस्वी महर्षि वशिष्ठ ने सबका विधि पूर्वक संस्कार किया। तदनंतर सबने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया। संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ होकर वे धनुर्वेद के भी प्रतिष्ठित विद्वान हुए। श्री राम आदि चारों भाई बड़े ही उदार और लोगों का हर्ष बढ़ाने वाले थे। उनमें श्री राम और लक्ष्मण की जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत तथा शत्रुघ्न की जोड़ी एक साथ। भगवान के अवतार लेने के पश्चात जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मी राजा जनक के भवन में अवतीर्ण हुई। जिस समय राजा जनक किसी शुभ क्षेत्र में यज्ञ के लिए हल से भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीता हल के अग्रभाग से एक सुंदरी कन्या प्रकट हुई जो साक्षात लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्या को देख मिथिलापति राजा जनक ने गोद में उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर उसका पालन पोषण किया।
इस प्रकार जगदीश्वर की वल्लभा देवेश्वरी लक्ष्मी संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए राजा जनक के मनोहर भवन में पल रही थी। इसी समय विश्वविख्यात महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी के सुंदर तट पर परम पुण्यमय सिद्धाश्रम में एक उत्तम यज्ञ आरंभ किया। जब यज्ञ होने लगा तो रावण के अधीन रहने वाले कितने ही निशाचर उसमें विघ्न डालने लगे। इससे विश्वामित्र मुनि को बड़ी चिंता हुई। तब उन धर्मात्मा मुनि ने लोक हित के लिए रघुकुल में प्रकट हुए श्री हरि को वहां ले आने का विचार किया। फिर तो वे रघुवंशी क्षत्रियों द्वारा सुरक्षित रमणीय नगरी अयोध्या में गए और वहां राजा दशरथ से मिले। कौशिक मुनि को उपस्थित देख राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मुनिवर विश्वामित्र के चरणों में मस्तक झुकाया और बड़े हर्ष के साथ कहा, मुने आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तत्पश्चात उन्हें उत्तम आसन पर बिठाकर राजा ने विधि पूर्वक सत्कार किया और पुनः प्रणाम करके पूछा, महर्षे मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब महातपस्वी विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, राजन आप मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए श्री रामचंद्र जी को मुझे दे दीजिए। इनके समीप रहने से मेरे यज्ञ में पूर्ण सफलता मिलेगी। मुनिवर विश्वामित्र की यह बात सुनकर सर्वज्ञों में श्रेष्ठ राजा दशरथ ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि की सेवा में समर्पित कर दिया। महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारों को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम पर गए। श्री रामचंद्र जी के जाने से देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान के ऊपर फूल बरसाए और उनकी स्तुति की। उसी समय महाबली गरुड़ सब प्राणियों से अदृश्य होकर वहां आए और उन दोनों भाइयों को दो दिव्य धनुष तथा अक्षय बाणों वाले दो तुणीर आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र देकर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई महापराक्रमी वीर थे। तपोवन में पहुंचने पर महात्मा कौशिक ने विशाल वन के भीतर उन्हें एक भयंकर राक्षसी को दिखलाया जिसका नाम ताड़का था। वह सुंद नामक राक्षस की स्त्री थी। मुनि की प्रेरणा से उन दोनों ने दिव्य धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा ताड़का को मार डाला। श्री रामचंद्र जी के द्वारा मारी जाने पर वह भयंकर राक्षसी अपने भयानक रूप को छोड़कर दिव्य रूप में प्रकट हुई। उसका शरीर तेज से उद्दीप्त हो रहा था तथा वह सब आभरणों से विभूषित दिखाई देती थी। राक्षस योनि से छूटकर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करने के पश्चात वह श्री विष्णु लोक को चली गई। ताड़का को मारकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने महात्मा लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र के शुभ आश्रम में प्रवेश किया। उस समय समस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए। वे आगे बढ़कर श्री रामचंद्र जी को ले गए और उत्तम आसन पर बिठाकर सबने अर्ध्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। द्विज श्रेष्ठ विश्वामित्र ने विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा ले मुनियों के साथ उत्तम यज्ञ आरंभ किया। उस महायज्ञ का प्रारंभ होते ही मारीच नामक राक्षस अपने भाई सुबाहु के साथ उसमें विघ्न डालने के लिए उपस्थित हुआ। उन भयंकर राक्षसों को देखकर विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने राक्षस राज सुबाहु को एक ही बाण से मौत के घाट उतार दिया और महान पवनास्त्र का प्रयोग करके मारीच नामक निशाचर को समुद्र के तट पर इस प्रकार फेंक दिया जैसे हवा सूखे पत्ते को उड़ा ले जाती है। श्री रामचंद्र जी के इस महान पराक्रम को देखकर राक्षस श्रेष्ठ मारीच ने हथियार फेंक दिया और एक महान आश्रम में वह तपस्या करने के लिए चला गया। महान यज्ञ के समाप्त होने के बाद महातेजस्वी विश्वामित्र ने प्रसन्न चित्त से श्री रघुनाथ जी का पूजन किया। वे मस्तक पर काक पक्ष धारण किए हुए थे। उनके शरीर का वर्ण नील कमल दल के समान श्याम था तथा नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उन्हें छाती से लगाकर उनका मस्तक सूंघा और स्तवन किया। इसी बीच में मिथिला के सम्राट राजा जनक ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा वाजपेय यज्ञ आरंभ किया। विश्वामित्र आदि सब महर्षि उस यज्ञ को देखने के लिए गए। उनके साथ रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण भी थे। मार्ग में महात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्पर्श हो जाने से बहुत बड़ी शिला के रूप में पड़ी हुई गौतम पत्नी
अहल्या शुद्ध हो गईं। पूर्व काल में वह अपने स्वामी गौतम के शाप से पत्थर हो गई थी, किंतु श्री रघुनाथ जी के चरणों का स्पर्श होने से शुद्ध हो वह शुभ गति को प्राप्त हुई। तदनंतर दोनों रघुकुमारों के साथ मिथिला नगरी में पहुंचकर सभी मुनिवरों का मन प्रसन्न हो गया। महाबली राजा जनक ने महान सौभाग्यशाली महर्षियों को आया देख आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम और पूजन किया। कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, नील कमल दल के समान श्याम वर्ण, पीतांबर धारी, कोमलांग, कोटि कंदर्पों के सौंदर्य को मात करने वाले, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित रघुवंशनाथ श्री रामचंद्र जी को देखकर मिथिला नरेश जनक के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दशरथ नंदन श्री राम को परमेश्वर का ही स्वरूप समझा और अपने को धन्य मानते हुए उनका पूजन किया। राजा के मन में श्री रामचंद्र जी को अपनी कन्या देने का विचार उत्पन्न हुआ। ये दोनों कुमार रघुकुल में उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार दोनों भाइयों का परिचय पाकर राजा ने उत्तम वस्त्र और आभूषणों के द्वारा धर्म पूर्वक उनका सत्कार किया और मधुपर्क आदि की विधि से संपूर्ण महर्षियों का भी पूजन किया। तत्पश्चात यज्ञ समाप्त होने पर कमल नयन श्री राम ने शंकर जी के दिव्य धनुष को भंग करके जनक किशोरी सीता को जीत लिया। उस पराक्रम रूपी महान शुल्क से अत्यंत संतुष्ट होकर मिथिला नरेश ने सीता को श्री रामचंद्र जी की सेवा में देने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात राजा जनक ने महाराज दशरथ के पास दूत भेजा। धर्मात्मा राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न को साथ लेकर वशिष्ठ, वामदेव आदि महर्षियों और सेना के साथ मिथिला में आए और जनक के सुंदर भवन में उन्होंने जनवासा किया। फिर शुभ समय में मिथिला नरेश ने श्री राम का सीता के साथ और लक्ष्मण का उर्मिला के साथ विवाह कर दिया। उनके भाई कुशध्वज के दो सुंदरी कन्याएं थीं, जो मांडवी और श्रुत कीर्ति के नाम से प्रसिद्ध थीं। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थीं। उनमें से मांडवी के साथ भरत का और श्रुत कीर्ति के साथ शत्रुघ्न का विवाह किया। इस प्रकार वैवाहिक उत्सव समाप्त होने पर महाबली राजा दशरथ मिथिला नरेश से पूजित हो दहेज का सामान ले पुत्रों, पुत्र वधुओं, सेवकों, अश्वगज आदि सैनिकों तथा नगर और प्रांत के लोगों के साथ अयोध्या को प्रस्थित हुए। मार्ग में महापराक्रमी तथा परम प्रतापी परशुराम जी मिले, जो हाथ में फरसा लेकर क्रोध में भरे हुए सिंह की भांति खड़े थे। वे क्षत्रियों के लिए काल रूप थे और श्री रामचंद्र जी के पास युद्ध की इच्छा से आ रहे थे। रघुनाथ जी को सामने पाकर परशुराम जी ने इस प्रकार कहा, महाबाहु श्री राम, मेरी बात सुनो। मैं युद्ध में बहुत से महापराक्रमी राजाओं का वध करके ब्राह्मणों को भूमि दान दे तपस्या करने के लिए चला गया था, किंतु तुम्हारे वीर्य और बल की ख्याति सुनकर यहां तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं। यद्यपि इक्ष्वाकु वंश के वे क्षत्रिय जो मेरे नाना के कुल में उत्पन्न हुए हैं मेरे वध्य नहीं हैं, तथापि किसी भी क्षत्रिय का बल और पराक्रम सुनकर मेरे लिए उसका सहन करना असंभव है। इसलिए उदार रघुवंशी वीर, तुम मुझे युद्ध का अवसर दो। सुना है तुमने शंकर जी के दुर्धर्ष धनुष को तोड़ डाला है। यह वैष्णव धनुष भी उसी के समान शत्रुओं का संहार करने वाला है। तुम अपने पराक्रम से इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मैं तुमसे हार मान लूंगा, अथवा यदि मुझे देखकर तुम्हारे मन में भय समा गया हो तो मुझ बलवान के आगे अपने हथियार नीचे डाल दो और मेरी शरण में आ जाओ। परशुराम जी के ऐसा कहने पर परम प्रतापी श्री रामचंद्र जी ने वह धनुष ले लिया, साथ ही उनसे अपनी वैष्णवी शक्ति को भी खींच लिया। शक्ति से वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम कर्म भ्रष्ट ब्राह्मण की भांति वीर्य और तेज से हीन हो गए। उन्हें तेजोहीन देखकर समस्त क्षत्रिय साधु साधु कहते हुए बारंबार श्री रामचंद्र जी की सराहना करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने उस महान धनुष को हाथ में लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दी और बाण का संधान करके विस्मय में पड़े हुए परशुराम जी से पूछा, ब्रह्मन, इस श्रेष्ठ बाण से आपका कौन सा कार्य करूं? आपके दोनों लोकों का नाश कर दूं या आपके पुण्यों द्वारा उपार्जित स्वर्ग लोक का ही अंत कर डालूं? उस भयंकर बाण को देखकर
परशुराम जी को यह मालूम हो गया कि यह साक्षात परमात्मा है। ऐसा जानकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोक रक्षक श्री रघुनाथ जी को नमस्कार करके अपने 100 यज्ञों द्वारा उपार्जित स्वर्गलोक और अपने अस्त्र शस्त्र उनकी सेवा में समर्पित कर दिए। तब महातेजस्वी रघुनाथ जी ने महामुनि परशुराम जी को प्रणाम किया तथा पाद्य, अर्ध्य और आचमनीय आदि के द्वारा उनकी विधि पूर्वक पूजा की। श्री रामचंद्र जी के द्वारा पूजित होकर महातपस्वी परशुराम जी भगवान नर नारायण के रमणीय आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। तत्पश्चात महाराज दशरथ ने पुत्रों और बहुओं के साथ उत्तम मुहूर्त में अपनी पूरी अयोध्या के भीतर प्रवेश किया। श्री राम, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न चारों भाई अपनी अपनी पत्नी के साथ प्रसन्न चित्त होकर रहने लगे। धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी ने सीता के साथ 12 वर्षों तक विहार किया।